जी हाँ, इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे गांव में एक मंदिर है जिसका आज मूर्ति का स्थापना होने वाला है। जिस मंदिर में, तो उस मंदिर का स्थापना से पहले एक जल भरी का मतलब यज्ञ, छोटा सा यज्ञ आप बोल सकते हैं उसका, एक इस रास्ते से ही आते हुए और आगे जाके गंगा नदी किनारे गंगा तट पे हम जाएंगे, जहाँ पर जल भरने का काम होगा। और वहाँ से वो काम करने के बाद वापस हम उस मंदिर पे जाएंगे जहाँ स्थापना करने का जिस मंदिर में है उस मंदिर पर जाएंगे। तो मैं कितना जनसंख्या इस भीड़ में शामिल होती है, इस जुलूस में शामिल होती है, सारी चीज़ मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हो पॉकेट पिक्चर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जिस भीड़ के बारे में हम आपको बता रहे थे, आप देख सकते हो मेरे पीछे वही भीड़ है और यही जुलूस है। हम इस भीड़ के साथ चलेंगे गंगा नदी किनारे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह हमारा कार्यक्रम चलता है। दोस्तों, मैं इस ब्रिज पे वेट कर रहा हूँ उस जुलूस का। जुलूस अभी यहाँ पर पहुँची नहीं है, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स यहाँ मिल चुके हैं जिन्होंने बोला है कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था, मिलवाते हैं आपको उनसे। देखिए, हमारे सब्सक्राइबर ये सब हैं, ये सब हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं। तो कैसा लगता है हमारा चैनल आप लोग को? बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। ये सब मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों, और कोशिश कीजिए अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कितना मनमोहक दृश्य है। आप कभी आए इधर तो घूमे? क्या नाम है इस गाँव का? गुरुदेव नगर। दोस्तों, गुरुदेव नगर इस गांव का नाम है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो कि भीड़ का आगमन हो चुका है, और ज्यादा अगर वेट करूंगा तो भीड़ ज्यादा यहां से आ जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं आगे और गंगा नदी किनारे आपको दिखाते हैं। दोस्तों, तो हम चलते हैं गंगा नदी किनारे, आप ब्लॉग में बने रहे हैं और हम चलते हैं अब नदी किनारे। तो हमारे पीछे भी सब देख रहे हैं, ये बाइक सब जुलूस का है, ये नज़ारा है। तो आइए देखिए, जुलूस में घोड़े वोड़े सब साथ में आ रहे हैं, और यहाँ दीरांचल क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब कि कोई दूर दूर का घर नजर नहीं आएगा, फिर भी उसके बीचों बीच रोड है, तो सीन बहुत अच्छा है यहाँ का है, मज़ा आता है घूमने में। तो आप भी आए कभी यहाँ घूमने के लिए, ये चलिए आपको दृश्य दिखाते आगे का।
गंगा किनारे पहुंच चुके हैं और जो मठ मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो में जिसके अंदर हम नहीं जा पाए थे, उन्हीं स्वामी जी का एक और मठ यहाँ भी है। तो जिस मठ पे आप बहुत लोग अभी आकर यहाँ विश्राम कर रहे हैं, बाकी लोग अभी पीछे हमारे हैं, अब दूर नहीं देख सकते हो कि बहुत लोग अभी आ रहे हैं, कुछ सारे लोग नहीं आए हैं यहाँ पर, तो कुछ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मठ के पास और कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मठ यहाँ का कैसा है। मठ के अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ भी अभी ऑर्डर नहीं है अंदर में जा करके शूट करने का, तो बाहर से लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं वो आपको दिखेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और वीडियो बने रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे अगल बगल में जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, यही एक मठ है स्वामी जी का। तो और बहुत लोग आगे भी हैं, तो यहाँ पे आधी मतलब जो जुलूस का आधे लोग जो आ गए हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो आराम कर रहे हैं, बहुत गर्मी है। और बाकी अभी जुलूस के लोग जो हैं वो अभी बहुत दूर में हमारा बाकी लोग हैं, औरतें हैं, तो उनको आने के लिए वेट करते हैं। जब सभी लोग आ जाएंगे तो गंगा नदी यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है, तो नदी किनारे जाएंगे, फिर वहाँ पर आगे कार्यक्रम होगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए पॉकेट पिक्चर। दोस्तों हम अभी चल रहे हैं आगे और इसको तो आप पहचानते होंगे, दोस्त है, फ्रेंड है। तो इस ब्लॉग में आप बिल्कुल बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं, आगे भी चलते हैं। तो मठिया मैं आपको दिखाया था, उस मठिया का ही एक दूसरा मठ भी है इस दियर में। तो मठ पे जितने भी लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं उस मठ में ही है, वहीं पर विश्राम कर रहे हैं। अभी बाकी के लोग जो है वो अभी आने वाले, पीछे सभी लोग पहुँचे नहीं हैं। और यहाँ से गंगा नदी अब ज़्यादा दूर नहीं, बस पास में ही है, तो हम चलेंगे वहाँ पर आगे के कार्यक्रम करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। और जो जिस मठ के बारे में मैंने आपको बता रखी है, एक और मठ है स्वामी जी का, वो मठ यहीं पर है। तो देखिए हमारे पीछे में सभी लोग विश्राम कर रहे हैं उस मठ के पास, और पीछे में वही मठ है, आप मठ को देख सकते हैं। और बाकी लोग आने का वेट करते हैं, हम तब तक यहाँ पर वेट करते हैं और सभी लोग आ जाएंगे तो चलेंगे आगे गंगा नदी किनारे। तो चलिए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों वही मठ है जो यहाँ पर देहरांचल के अंदर भी है और एक वहाँ बाहर भी था। और जितने भी लोग हैं, आधे जो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं सब यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और आधे लोग अभी आने वाले हैं। गंगा नदी ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है, तो बाकी लोग को आने दीजिए, फिर चलते हैं आगे नदी के पास। दोस्तों देखो यहाँ पर कितना भीड़ अभी जुट चुका है, लेकिन अभी भी आधे लोग ही यहाँ पर हैं, अभी लोग भी रास्ते में आ रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पर आ जाए और तब हम आगे कार्यक्रम करें। तो और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आओ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, तो मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। आ जाओ आप मेरे सामने, देखो जितने दोस्त यार मित्र जो भी हैं, भाई बड़े हैं छोटे, सब मेरे सब्सक्राइबर हैं। इनका नाम अशोक फौजी जी हैं जो फौज से आए हैं, देश का सेवा करके आए हैं। और ये बाकी मेरे और सब दोस्त हैं। क्या नाम है आप लोग का? इनका नाम है राम बाबू, आपका क्या नाम है? मन कुमार यादव। आपका जी? शेखर यादव। आप? राजेश यादव। और ये बड़े भैया मंजू यादव हैं। तो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो दोस्तों मैं मेरा गुजारिश है कि अभी ध्यान दें और जलधारा का प्रोग्राम जो है आप गए हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बाकी लोग आ जाने दीजिए, हम उनका वेट करते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों लगता है कि लगभग सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर और अब हम आगे के कार्यक्रम के लिए बढ़ेंगे। आप देख रहे हो लगभग सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर, हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आगे कार्यक्रम के लिए हम चलते हैं, जब सभी लोग चलेंगे तो साथ में हम ही चलेंगे उनके, और दिखाते हैं जल धारा का काम कार्यक्रम कैसे होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आगे जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ पर कुछ रस जल पान का व्यवस्था किया हुआ है, सभी लोग यहाँ पर कुछ रस पी रहे हैं, कुछ लोग पानी पी रहे हैं, सब लोग पी लेते हैं। तो आगे हम चलते हैं, आगे कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहें और चलते हैं आपका आगे दिखाते हैं। चलिए हम का
दोस्तों चले चलते गंगा नदी किनारे। हाय हाय बोलो यार कैमरे में, हाय बोलो सब लोग, सब्सक्राइब सभी लोग ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को दोस्तों, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए ब्लॉग में मजा, और थोड़ा दूर से लो दोस्तों, आप देख सकते हो काफिला यहाँ से वहां तक, जलधारा का काफिला आप देख सकते हो यहाँ से वहां तक। भोले बाबा के दोस्तों, ये शंकर भगवान का मंदिर है जिस पर मूर्ति का स्थापना होने वाला है। हाँ दोस्तों देखिए कितने ट्रैक्टर सब आ रही है, और आगे देखिए पानी, पानी दिखाओ, देखो दोस्तों हम आ गए हैं। देखिए हमारे बगल में कितने सारे ट्रैक्टर सब जा रहे हैं, और सब लोग नदी पार कर जाएंगे इधर में। अब नदी बैठे जाओ दोस्तों, यहाँ से लगता है हमें ट्रैक्टर में बैठ करके आगे जाना पड़ेगा। ट्रैक्टर ट्रैक्टर का सीन लो, ट्रैक्टर का खाली दिया। हाँ दोस्तों आइए ट्रैक्टर से हम चलते हैं उस पार, इस ट्रैक्टर से हम चलेंगे उस पार, चलेंगे नदी किनारे। अमनियो को चली जाए यार, वो पड़ जाए नू, ट्रैक्टर से पानी के उस पार जाएंगे तो देखते रहे, चलते उस पार चलते हैं। चलो जा भाई होने होने, दोस्तों हम चलते उस पार, आ जाओ बंद करो। दोस्तों देखिए पानी का मजा, मजा लीजिए। ये देखिए ट्रैक्टर बारिश में पानी में घुस रहा अंदर में, जय। देखिए कुछ लोग पैदल पार कर रहे हैं, कुछ लोग पैदल पार कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। हम लोग ट्रैक्टर में हैं, इतने लोग ट्रैक्टर में हैं, देखिए निकल गए दोस्तों हम लोग बाहर। दोस्तों देखिए ट्रैक्टर का मजा लेते हुए हम ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर में बैठे हुए हम चल रहे हैं। देखिए इधर बालू ही बालू दिख रहा है आपको चारों तरफ, ये नजारा आपको कहीं नहीं दिखेगा। दोस्तों ये ब्लॉग में बने रहो हमारे चैनल पे बिल्कुल लास्ट तक, और देखो आगे आगे क्या होता है। नीरज भी बैठा है ट्रैक्टर में, देख लो नीरज, देखो नीरज भी ट्रैक्टर में बैठा हुआ है, सभी लोग ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं, डांस वांस सब चल रहा है। लगता है यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा दोस्तों, चलो अब नीचे उतरने के बाद फिर से वीडियो को बनाते हैं। दोस्तों लग रहा है कि आगे अब ट्रैक्टर नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे पानी पानी है, तो हम यहीं से नीचे उतर कर आपको दिखाते हैं आगे कैसे जाना है, चलिए देखते हैं। ये हमारे एक मित्र हैं, इनको हम मित्र बाबा बोलते हैं, और ये खैनी बहुत खा रहे हैं, जब से हम यहाँ पर चल रहे तब से खैनी खा रहा, मैं इनको दिखा नहीं रहा था लेकिन सोच रहा हूँ लास्ट में इनको दिखा दिया जाए। आइए देखिए सारा काफिला यहाँ रुक चुका है, और यहाँ के बाद कैसे हमें चलना है आगे डिसाइड करते हैं, यहाँ से कैसे हम चलते हैं आइए देखते हैं आगे कैसे चलते हैं। आप वीडियो में बने रहे, आवाज आ रहा है मेरा,
आपको दिखाते ब्लॉग में आगे कैसे चलना है, देखिए इसमें, क्योंकि आगे हमेशा हर तरफ पानी पानी हम यहाँ से दिख रहा है। अब यहाँ से यहीं पर कार्यक्रम होगा या फिर आगे जाना है हमें भी मालूम नहीं है, आइए वेट करते थोड़ी देर में। दोस्तों पानी तो यहाँ पर लबालब देखो भर चुका है, यहाँ से लगता है कि गाड़ी कोई भी आगे नहीं जाएगी, सारी की सारी ट्रैक्टर जो भी है, सारा ट्रैक्टर बाइक वगैरह जो भी गाड़ी है सब यहीं पर सबको रोक दिया गया है, कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगा यहाँ से। आइए देखते हैं आगे जाने का रास्ता कैसा है, या फिर यहीं पर जल धारा का जो प्रोग्राम होगा यहीं पर होगा, कैसे होगा देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखो ये सब बाढ़ का पानी है, इसमें पानी नहीं रहता लेकिन बाढ़ में सब पानी आ गया, देख सकते हो इधर भी। आइए देखते हैं कहीं से रास्ता है या फिर दोस्तों देखने से तो कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम उस पर कैसे जाएंगे, सभी लोग पानी में डूब के जा रहे हैं। सभी लोग यहीं पर रुके हुए हैं, लग रहा है कि जलधारा का प्रोग्राम यहीं पर होगा, आगे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग सबको बुला रहे हैं इधर वापस आने के लिए। देखो दोस्तों ऐसा सीन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा जो आपको मेरे ब्लॉग में मिल रहा है। इसी तरह का ब्लॉग आप आते रहेगा दोस्तों, इस चैनल पे आते रहेगा तो आप ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लगता है कब यहीं पर जो काफिला है रुक गया है और यहीं पर जलधारा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि जितने लोग हैं सब देख रहे हैं हमारे पीछे, सभी लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर जलधारा होगा, यहाँ से हम वापस चलेंगे। तो लोगों को नहाने दीजिए और जब पूजा पाठ का जो प्रक्रिया है जब वो स्टार्ट होगा तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी हमारे एक भैया हैं, इनको तो पहचानते दिन में खैनी खाते रहते हैं, तो क्या किया जाए, तो ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे दिखाते हैं जब कोई सभी लोग नहा लेते हैं तो उसके बाद आगे प्रोग्राम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। ओके दोस्तों, दोस्तों जो जलधारा का पताका है जो झंडा है उसको इस जगह पर स्थापित किया जा रहा है और इसके बाद आगे कार्यक्रम होगा। अब देख रहे हो यहाँ पर झंडा का स्थापना, इसको यहीं पर मतलब कि गंगा किनारे झंडे को गाड़ के छोड़ दिया जाता है और यहाँ से गंगा नदी का जल भर के जो लोग अपना अपना एक छोटा सा मटका होता है उसमें जल भर के यहाँ से वापस जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर मंदिर है, जिस मंदिर में स्थापना करना है मूर्तियों का। दोस्तों बहुत गर्मी है, आज के दिन इतना गर्म लग रहा है, तो दीजिए मित्र बाबा। हाँ दोस्तों बहुत आज के दिन बहुत ही हॉट है, बहुत गर्म है, फिर भी लोग इसमें कैसे आए हैं और देखिए कितना मेहनत करके आए हैं यहाँ पर जलभरी के प्रोग्राम में। तो अभी मजा लीजिए हमारे वीडियो का ब्लॉग का, आइए हम चलते अभी ट्रैक्टर में बैठते हैं, आइए अभी आइए साथ में चलिए। चप्पल दरिया के किनारे पर तो साथ में बने रहिएगा दोस्तों इस ब्लॉग में। देखिए लोग कितने मेहनत से यहाँ पर पूजा पाठ के, हमारे कल्चर में जो भी है कि जल धारा का प्रोग्राम जो होता है कैसे लोग पैदल चल के आते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। चलते ट्रैक्टर में बैठने दोस्तों, बहुत बाहर में गर्मी है।
छाया में बैठी जाए हमनी को। अच्छा थोड़ा छाया में बैठा जा भाई, बहुत गर्म है। आ जाओ नीरज, तुम ही आ जाओ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि सभी लोग अपने अपने मटके में पानी भर लिए हैं और लेकर के सब वापस उसी मंदिर पे जाएंगे। अब आगे के वीडियो में आपको मंदिर पे चल के दिखाते हैं, क्योंकि जैसे हम आए थे उसी तरह से वापस भी जाएंगे तो फिर वीडियो या ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम मंदिर पर चल के वहाँ का आपको दिखाते हैं वीडियो, वहाँ पर जाकर क्या होता है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं मंदिर पर। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यही वो मंदिर है जहाँ पर जो भी मूर्तियों का यहाँ पर शिलान्यास करना है, स्थापना करना है, जो भी मूर्ति यहाँ पर है। ये मंदिर बहुत पहले बन चुका था लेकिन इसमें अभी तक मूर्तियों का स्थापना नहीं हुआ था, तो आज इसमें मूर्तियों का स्थापना है। और इसी को जो जलधारा में हम गए थे, जलभरी जो भी था वो यहीं से जुलूस गया था। हम पहले आ गए हैं अपने बाइक से, अभी वो जितना भी भीड़ है और जो मतलब जुलूस है वो अभी पीछे में है। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पहले आके दिखा रहा हूँ कि यही वो मंदिर है, और ये मंदिर जिस गांव में है उस गांव का नाम है तिलक राय कहा था। तो दोस्तों बस ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।